मध्य प्रदेश में आज सियासत का बड़ा दिन है। मेरे साथ इस समय मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज मध्य प्रदेश सियासत का बड़ा दिन। जी हाँ, निश्चित रूप से ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसको ऐतिहासिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, सबके हित में है, तो इसलिए हम इसको एक यादगार दिन कहेंगे। सर, आपकी घर वापसी आज हो रही है? जी हाँ, क्योंकि मैं जो कांग्रेस में गया था तो वहाँ पार्टी कोई एक कांग्रेस तो थी नहीं, वहाँ तो गुटों का समूह था जी। तो फिर हमने देखा भाई अब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े जी। तो फिर मुझे चूँकि मेरा पुराना परिचय इनसे, सिंधिया जी से, तो मैं इनके साथ जुड़ा जी। अब जब सिंधिया जी यहाँ आ गए तो हम भी आ गए। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना, बड़े आरोप लगाना कमलनाथ सरकार पर, आप कैसा मानते हैं? सब बातें सही हैं। ज्योतिराज सिंधिया जैसा व्यक्ति, जो उनकी सोच है, उनकी राजनीति कोई पेशा तो है नहीं, राजनीति में कोई उनका स्वार्थ भी नहीं है, राजनीति के माध्यम से वो केवल जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ रह नहीं सकते थे। और जो उन्हें साल डेढ़ साल में इनका काम करने का तरीका देखा तो निश्चित रूप से निराशा होगी। तो हमको भी महसूस होने लगा कि क्या हम प्रदेश का नुकसान करने वालों का को ताकत दे रहे हैं जी। तो इसलिए छोड़ने में मुझे बड़ी संतुष्टि है, बड़ा अपने एक बड़ा भारी बोझ मेरे मन से उतर गया है जी। और सिंधिया जी भी इसीलिए छोड़ रहे हैं कि वो भी बड़ी घुटन महसूस कर रहे थे जी। तो हम लोग एक तरह से बड़ा स्वतंत्र हवा का एहसास कर रहे हैं। सर, कांग्रेस क्या कमी है, जड़ता एक आ गई है या हाईकमान नहीं सही है या दिग्विजय या कमलनाथ, कौन जिम्मेदार कांग्रेस की हालत के लिए? देखिए, एक तो राजनीति में जनता की नब्ज पहचाने की क्षमता होना चाहिए और देश की समस्याओं को समझने की क्षमता होना चाहिए। हमको वही काम करना चाहिए राजनीति में, भले ही हमारा नुकसान हो जाए, जो देश हित में है। लेकिन कांग्रेस ने केवल वोट की राजनीति की, वोट के लिए उसने कई गलत बातों को फैसला किया, गलत बातों का समर्थन किया। उदाहरण के लिए, कोई भी देशभक्त व्यक्ति धारा 370 का विरोध नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कोई भी भारतीय जो इस देश की संस्कृति को जानता है, इस देश के लोगों की आस्था को जानता है, वो कभी राम मंदिर का विरोध नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कोई भी इस देश में नई नागरिकता कानून के बारे में जो निर्णय किया गया है, इसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस इन तीनों मुद्दों पर विरोध करती है, केवल इसलिए कि कुछ लोगों का तुष्टीकरण करना है जी। और इसलिए फिर कांग्रेस के दिन भी खराब आ रहे हैं, आ चुके और आएंगे जी। सर, सरकार को लेकर बहुत सवाल हैं, सरकार गिरेगी या बचेगी? सरकार तो गिर गई, बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल तो प्रक्रिया का है। अब प्रक्रिया में जो समय लगे वो लगेगा। और दूसरी बात मैं और भी कह दूँ आपसे, ये सरकार तो गिर गई, अब कांग्रेस 25-50 साल तक मध्य प्रदेश में आने का सपना छोड़ दे, नहीं आ पाएगी। सर, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, कहा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद है, विधानसभा अध्यक्ष ने आज नोटिस भी भेजा है विधायकों को कि वो खुद आकर व्यक्तिगत इस्तीफा कर सौंपें, बीजेपी अब कैसे आगे बढ़ेगी इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जो अध्यक्ष ने कहा वो सही कहा है, नियम है, तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने जब लोकसभा से इस्तीफा दिया था तो हमें अध्यक्ष के पास जाना पड़ा था, जाकर वहाँ अपना इस्तीफा उनको हाथ में देना पड़ा था, क्योंकि कल कोई फर्जी पत्र बना लाए तो क्या होगा जी। तो वो तो प्रक्रिया होगी, भाई ठीक है आपको इस्तीफा देना है तो आप अध्यक्ष महोदय को आकर सौंपें। अब इसमें थोड़ा सा लीगल कॉम्प्लिकेशन तो हैं, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ के, वो लागू हो सकता है जी। लेकिन जहाँ तक सरकार चलने और बचने का सवाल है तो वो तो सरकार बचेगी नहीं, सरकार तो गिरेगी जी। तो 17 विधायकों को चाहे दोबारा चुनाव लड़ना पड़े जी। या कोई ऐसा तरीका निकाला है कि जिससे वो उनकी सदस्यता बच जाए जी। जो कुछ भी हुआ होगा जी। लेकिन सरकार गई है, इसमें कहीं कोई अब दो बातें नहीं है जी। सर, आप लंबे समय तक मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान सरकार में, बीजेपी में काफ़ी लंबे समय तक मंत्री रहे, अब जब बीजेपी की सरकार मान लीजिए बने, आपका दावा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तब आप क्या वापसी करेंगे सरकार में? मैं पार्टी में वापस हुआ हूँ, पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों का के प्रति जो मेरा एक लगाव है उसके कारण। हम लोगों ने आज तक कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की,
मैं 60 साल से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, उस समय से कर रहा हूँ जब इस पार्टी में कोई भविष्य नहीं था। सर उपेक्षित हो, आपको उपेक्षा की गई थी तभी आपने बहुत दर्द से बीजेपी छोड़ी थी उस वक्त, हमको वो दिन अच्छी तरह याद है कि बहुत दर्द था आपको बीजेपी छोड़ते वक्त। दर्द था, ये बात सही है जी। उपेक्षा का कोई सवाल नहीं पैदा होता, उपेक्षा तब महसूस होती जब कोई हमारा स्वार्थ उसको ठेस पहुंचती हो। जब हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं है तो अपेक्षा उपेक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक घटना ऐसी हो गई जिसने मुझे चोट पहुंचाई और मानसिक रूप से मैं उद्वेलित हुआ, आक्रोश हुआ मन में, और उस आक्रोश के कारण मैंने वो कदम उठाया था। उसके बारे में मैंने अपने नेताओं को बता भी दिया है, तो वो भी समझते हैं कि जो कुछ घटना होनी थी हुई, वो नहीं होना चाहिए था। अब वो ऐसी बात है जो मैं सबको कह नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे मेरा कोई उपेक्षा अपेक्षा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सर वापसी के लिए किससे बात हुई, शिवराज सिंह चौहान से, प्रदेश स्तर के नेताओं से या केंद्रीय स्तर के नेताओं से? मैं तो वापसी सिंधिया जी के साथ कर रहा हूँ, बात हुई है तो सिंधिया जी से हुई है बस। और कौन से बड़े चेहरे वापस आएंगे? बहुत बड़ी संख्या में लोग आने को तैयार हैं जी। कांग्रेस से सभी असंतुष्ट हैं जी। और आज ये एक अवसर मिला है कि सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का, क्योंकि आज तो समय नहीं है। आज तो सिंधिया जी सीधे भीड़भाड़ में आएंगे और सीधा अपना भाषण देकर चले जाएंगे, कल नॉमिनेशन भर देंगे, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीनियर नेता सरताज सिंह, जिनका साफ कहना है कि सिंधिया के जी के साथ वो आज भाजपा में वापस आ रहे हैं।